शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। बात करें यहां से अगर आप बिनौला खल की, तो बिनौला खल का मार्च वायदा देख रहे हैं 3082 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3099 का ही लगा चुका है, आधे फीसदी की बढ़त है। बिनौला खल में देख रहे हैं कि आधे फीसदी की बढ़त के साथ एक सीमित दायरे में कारोबार दर्ज किया जा रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने बिनौला खल को 3050 के लेवल्स पर भी ट्रेड करते हुए देखा था। इससे पहले हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सबने बता दिया था कि बिनौला खल इस कारोबारी सप्ताह की जो क्लोजिंग देगा 3000 के लेवल्स के आसपास देखा, ठीक वैसा ही हमने होते हुए भी देखा। अब जो जानकार बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिनौला खल हो सकता है कि लगभग 2-3 हफ्तों के अंदर जो सीमित दायरा है उससे बाहर निकल सकता है। अभी ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 2-3 हफ्तों के अंदर बिनौला खल जो एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है NCDX पर, जो कि 3000 से लेकर ऊपर में 3400 तक का है, उससे अब 2-3 हफ्तों के अंदर बाहर निकल सकता है और 3350 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बात करें अगर हरे चारे की, तो हरे चारे की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से पशुपालकों की जो लागत है पशुओं के ऊपर वो ज़्यादा बढ़ गई है, और लॉकडाउन भी लगा था जिसकी वजह से इतनी इनकम नहीं हो पाई। तो ऐसे में अगर पशुओं के ऊपर इन्वेस्टमेंट कम होता है, निवेश कम होता है, उनको चारा कम खिलाया जाता है, तो उसका असर उनके दूध पर पड़ता है। उनका दूध कम आएगा तो दूध की सप्लाई कम होगी, दूध की सप्लाई कम होगी तो दूध की कीमतें बढ़ेंगी, पाउडर मिल्क की कीमतें बढ़ेंगी। और जो बिनौला खल है एकमात्र ही ऐसा प्रोडक्ट है जो दूध की मात्रा को बढ़ाता है, दूध में फैट की मात्रा को बढ़ाता है। तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है बिनौला खल की वो थोड़ी आगे जाके देखने को मिल सकती है और जो कीमतें हैं वो 3500 के ऊपर भी निकल सकती हैं। इससे पहले एक्सपर्ट ने ये भी बताया था कि जो बिनौला खल है मार्च महीने में 4000 के भी लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि जो कॉटन है, कॉटन में जो गिरावट आई है उसका असर भी कहीं ना कहीं बिनौला खल की कीमतों पर पड़ता नजर आ रहा है। ग्लोबली कॉटन की जो कीमतें हैं उनमें एक कमी देखने को मिल रही है और हेल्दी करेक्शन आनी लाजमी भी थी, ज़रूरी भी थी, जिसकी वजह से निचले स्तर से लोअर लेवल से फिर से बाइंग इनिशिएट हो सके, और उसका असर हमने बिनौला खल पर भी पड़ते हुए देखा। बिनौला खल में भी नो डाउट इन लेवल से निचले स्तर से बाइंग इनिशिएट फिर से हो सकती है। तो ओवरऑल रुझान बिनौला खल में और कॉटन में आगे तेजी वाला ही रहने वाला है। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।